बेगूसराय के छौराही प्रखंड क्षेत्र के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल छौराही में गुरुवार को भारत संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अंजेश कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानाध्यापक श्री कुमार ने कहा कि मेरा देश संविधान से चलता है। मेरे देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। उनके 125वीं जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार को 26 नवंबर 2015 को घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने छात्रों के संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर आज विद्यालय में टच लेस नल और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की शुरुआत किया गया। हमें उम्मीद है कि सब सरकारी एवं निजी विद्यालयों में यह कार्य लागू करने को लेकर प्रयास किया जाएगा। मौके पर शिक्षक अजय कुमार, अवनीत कुमार, प्रिया कुमारी, सृष्टि कुमारी, भारती कुमारी समेत अन्य छात्र छात्रा मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए छौराही से हेमकांत सिंह की रिपोर्ट। इस नवम्बर संविधान दिवस के रूप में अपने विद्यालय में मनाया गया। यह संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 से अपने देश में घोषित किया गया है। इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए यह दिवस क्यों कि यह दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम सभी जानते हैं कि अपना देश संविधान से चलता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन वह आज़ादी पूर्ण नहीं थी जब तक अपना संविधान नहीं था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में अपना संविधान निर्माण हुआ और यह निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया, लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस दिन से अपना देश गणतंत्र हुआ। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने सभी मिलकर आज इस दिवस को सरकार के आह्वान पर मनाया गया। आपका नाम? अंजेश कुमार, ज्ञानोदय छौराही प्रधान।